हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर संध्या, होम्योपैथी कंसल्टेंट। आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, जहाँ हम होम्योपैथी मेडिसिंस के बारे में डिस्कस करते हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एब्रोमा रेडिक्स मेडिसिन, जो कि एस्टेक्युलेसी फैमिली की है, और इसे प्रूव किया है डॉक्टर डी एन रॉय ने। एंड ये फ्रेंड्स, ये जो मेडिसिन है वो बहुत अच्छा वर्क करती है फीमेल कंडीशंस में, फीमेल डिसऑर्डर में। तो चलिए जान लेते हैं इसके क्लिनिकल सिम्टम्स। फ्रेंड्स, ये जो मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये फीमेल डिसऑर्डर्स में बहुत अच्छा वर्क करती है। जो जो सबसे ज़्यादा मार्क्ड रहता है वो फीमेल डिजीज़, स्पेशली जो भी प्रॉब्लम्स कनेक्टेड रहती हैं फॉर यूट्रस, तो उससे जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। डिसमेनोरिया के केस में ये बहुत अच्छी मेडिसिन है अगर किसी हैं तो। ये जो मेडिसिन हैं वो एमिनोरिया की कंडीशन में भी में दी जाती है, जब मेंसेस स्टार्ट नहीं होते हैं और जो और उसको इशू प्रॉब्लम्स होने लगती है फीमेल को, तो उस कंडीशन में भी देते हैं, तो उसमें बहुत आराम मिलता है। फीमेल्स में डिसमेनोरिया की कंडीशन में रहते हैं जब उसको बहुत ज़्यादा मेंसेस होते हैं, इरेगुलर मेंसेस होने लगते हैं और बहुत ज़्यादा ब्लैकिश एंड क्लॉटेड रहता है। हाँ, डिसमेनोरिया की वजह से डिस्कम्फर्ट महसूस होता है तो उसमें ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। कोलिक पेन रहता है अगर ड्यूरिंग ड्यूरिंग पीरियड, अगर उसको लोअर एब्डोमेन में पेन रहता है तो उसमें भी रिलीफ करती है ये मेडिसिन। और जो ल्यूकोरिया की कंडीशन में भी देखा गया है कि ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। इसका जो ल्यूकोरिया होता है वो बहुत ही प्रोफ्यूज होता है, वाटरी होता है, एंड जो इसके डिस्चार्जेस होते हैं बहुत ही थिन होते हैं एंड वाइट कलर के डिस्चार्जेस होते हैं इसमें वाइट कलर के डिस्चार्जेस होते हैं। तो और फ्रेंड्स, देखा गया है जब फीमेल्स को जब मेंसेस स्टार्ट होने वाले होते हैं तो उससे 2 या 3 दिन पहले, बिफोर टू टू थ्री डेज बिफोर ल्यूकोरिया स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक पिन पॉइंट है जो जिसमें मेडिसिन ये बहुत अच्छा वर्क करती है, तो हम इसमें मेडिसिन दे सकते हैं। और अगर हम इसके डोजेस की बात करें तो ये जो डोज दिया जाता है तो ये मदर टिंचर में बहुत अच्छा वर्क करती है, ये मदर टिंचर में हम लोग दे सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई इससे रिलेटेड और कोई भी इश्यूज है तो आप अपने होम्योपैथी कंसल्टेंट से आप अच्छे सलाह लेकर के ये मेडिसिन ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर तो बस यही था ये इस मेडिसिन का, ये छोटी सी मेडिसिन है लेकिन ये बहुत अच्छा रोल प्ले करती है एक फीमेल की प्रॉब्लम्स में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।